के शर्मा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हैं, ये तो कह रहे हैं कि आपकी नौटंकी नहीं चलेगी। के शर्मा जी ये कह रहे हैं कि भगवान के पीछे छिपना बंद करिए और जनता से जुड़े सवालों पर खुलकर चर्चा करिए। बोलिए के शर्मा जी, क्या कहना है आपका? नहीं नहीं बस गौरव जी मुझे उतना ही समय दे दीजिएगा जितना आपने सुरेंद्र जी का समय है। सर मैं एक टिप्पणी भगवान शिव के संदर्भ में करूंगा। हाँ एक टिप्पणी करूंगा, राहुल गांधी जी बड़े शिव भक्त हैं, आप लोगों ने तमाम चैनलों ने और तमाम वीडियो उसके बाहर हैं सबने देखा है कि किस तरह से सावन के महीने में लालू प्रसाद यादव के साथ चंपारण मीट बनाते हुए और खाते हुए पूरा पिक्चर वायरल है, सब जगह जानते हैं ये वही राहुल गांधी है। ये कितने बड़े शिव महात भक्त हैं, कितने बड़े शिव महात्म हैं कि सावन भगवान शिव के महीने पर जो पूजा का महीना उसमें चंपारण की मीट सीख रहे थे। खैर उस पर मुझे नहीं कहना क्योंकि वो नौटंकी सबने देखी जो आज नाच गान दिख रहा था, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज राहुल गांधी जी ने जिस ढंग से संसदीय मर्यादा गरिमा को तार तार ही नहीं किया बल्कि अपनी अशिष्टता और संस्कारहीनता का जो परिचय दिया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही निंदनीय है। मैं समझता हूं कि पिछले 5 दिनों से जब से वो एलओपी बने हैं उन्हें 3 बार मुंह की खानी पड़ी, चाहे स्पीकर का चुनाव हो उसमें मुंह की खानी पड़ी है, चाहे वो इमरजेंसी का प्रस्ताव हो उसमें मुंह की खानी पड़ी, और फिर राष्ट्रपति अभिभाषण जो एक दिन जो संसद का बहिष्कार किया इन लोगों ने, आज लौट कर फिर उसी में बहस में आए, ये इसके कारण से जो मुंह की खानी पड़ी है अपना आपा खो बैठे हैं राहुल गांधी। और आज वो हिंदू धर्म को हिंसक कहके अपमानित ही नहीं 100 करोड़ हिंदुओं को गालियां बक रहे हैं सदन के अंदर पे, और केवल सदन के अंदर उन्हें गालियां नहीं बकी, ये एक सोची समझी विषय ये भी है जिस ढंग से ये कांग्रेस और इनके गठबंधन के लोगों ने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया करके अपमानित किया, ये उसी क्रम में आज हिंदुओं को आतंकी हिंदुओं हिंसक हिंदू जो आतंकी हिंदू का भी इन्होंने 2008 में चलाया था आज उसी क्रम में राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ के वो हिंदुओं को अपमानित करना चाहते हैं। मेरे पास खुलकर कहा, आप कह रहे हैं कि ऐसा आरोप, ये हमारा आरोप नहीं है गौरव जी, आप अभी चलाइए सदन के अंदर में क्या शब्दों का प्रयोग किया गया है, सदन के अंदर कहा गया है हिंदू हिंसक है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज जिस ढंग से इन्होंने हिंदुओं का अपमान किया है, एक यहां पर मैं जानता हूं कि कांग्रेस के मेरे पास एक कैलकुलेशन है, जवाब नहीं देते लीपा, मैं जवाब देता हूं, के शर्मा जी जवाब देता हूं, के शर्मा जी जवाब देता हूं, मेरे पास एक कैलकुलेशन है। लेकिन आज ये चरमपंथी वामपंथियों का आज ये पाला हुआ आज सदन के अंदर अपनी अराजकता का जो व्यवहार चरमपंथी चाहते हैं, आज वो चरमपंथी पूरा उदाहरण राहुल गांधी ने सदन में ये सब मर्यादा ना मर्यादा पालना, न संसद की गरिमा का इस्तेमाल करना, न संसद के नियम कानून को पालना। ओके एक मिनट रुकिए, अब जरा ये पीसीआर मेरे पास आइए, मैं ये दिखाता हूँ कि राहुल गांधी का धर्म गणित क्या है। एक मिनट, सदन में आज जब राहुल गांधी लोकसभा में बोल रहे थे तो कितनी बार उन्होंने किस शब्द का जिक्र किया, जरा पीसीआर जल्दी से दिखाइए। देखिए राहुल गांधी का धर्म गणित आप समझिए, राहुल गांधी ने आज अपने 90 मिनट के भाषण में 30 बार शिव का जिक्र किया, भगवान शिव का जिक्र किया, उन्होंने 16 बार उन्होंने भगवान राम का जिक्र किया। पहले देखिए 1 घंटा 30 मिनट बोले हैं जिसमें 30 बार उन्होंने शिव जी का जिक्र किया है, 16 बार भगवान राम का जिक्र किया है, 7 बार गुरु नानक का जिक्र किया है, 4 बार जीसस का जिक्र किया है, 3 बार इस्लाम का जिक्र किया है और 3 बार ही बुद्ध का जिक्र किया है। इसके अलावा उन्होंने यहां पर 90 मिनट के अपने भाषण में 20 ऐसी योजनाएं जिन पर सरकार को घेरा है। लेकिन मैं वारिस पठान के पास जाऊंगा, वारिस पठान आपकी क्या राय है, क्या ये जो धर्म युद्ध आज संसद में हुआ है, संसद में जो ओ माय गॉड हुआ है, इस पर आपकी पार्टी क्या राय रखती है? देखिए सर अग्रवाल जी, मैं आपको बताऊं साफ बात, मैंने राहुल गांधी जी का पूरा भाषण नहीं सुना, थोड़ा बहुत जो समझा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे कहा गया था कि टॉपिक है जो बंगाल के अंदर इशू हुआ है वो वाला है, जो मारा वारा उसने अरेस्ट किया तो अलाउड नहीं है, असंवैधानिक है, सबको कायदे कानून का पालन करना चाहिए और कायदा जो करेगा वो होता है। अब बात नंबर दो, अगर एक बात नफरत की है तो वो तो हम तो पहले से बोलते आ रहे हैं कि 2014 जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है इन्होंने देश में सिर्फ एक ही राजनीति की है और नफरत फैलाई है, खास तौर से मुसलमानों के प्रति। देखिए अभी जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं ये माइनॉरिटी अल्पसंख्यक इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेगी, मुसलमान अल्फाज थोड़ा कम इस्तेमाल करते हैं ये लोग, कभी कभी करते ही नहीं, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा
कि खास तौर से बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ एक जंग सी छेड़ दी है। आप 4 जून से लेकर अब तक का देख लीजिए अग्रवाल जी, आपको समझ में आ जाएगा कि अभी तक के 7 जगह पे मॉब लिंचिंग हो गई है, लोगों को मार दिया गया मुसलमानों को। मॉब लिंचिंग के ऊपर कानून बना आज से आया, पर उसका क्या होगा हमको कोई पता नहीं। तो मोदी जी क्यों खामोश रहते हैं और ये सेक्युलर पार्टियां क्यों मुसलमानों का नाम लेने से इनकार करती है? अकबर नगर में आपने देखा कि किस तरह से अक्की मुसलमानों की जो बस्ती थी उसको बुलडोजर के जरिए उजाड़ दिया गया। मध्य प्रदेश के अंदर मुसलमानों की बस्ती को उजाड़ा। फिर आपने हमने सबने देखा कि किस तरह से एक लड़के ने, मुस्लिम लड़के ने, एक फोटो डाला था व्हाट्सएप के ऊपर, एक स्टेटस रखा था उसने, जबकि वो तो गांव भी नहीं था। उस स्टेटस की बुनियाद के ऊपर लोग चले गए, उनकी दुकान को तोड़ फोड़ कर दिया, लूटपाट कर दी, तहस महस कर दिया उनके खिलाफ, ना उनके घर पे बुलडोजर चला ना कुछ चला। तो ये जो चीजें हुई मुसलमानों के प्रति 4 जून से, तो बड़े बड़े मुसलमान के मौलाना ने भी कहा है कि हमने जो महाविकास अघाड़ी या इंडिया अलायंस गठबंधन को वोट दिए थे तो ये सोच के कि सेक्युलर है, आवाज उठाएंगे, मगर ये मुसलमानों का अल्फाज मुंह से नहीं निकालते। तो हम तो चाहेंगे कि जो सेक्युलर पार्टियां वोट लेकर आई, ये भी मुसलमान बोलना चाहिए, क्योंकि हम एक माइनॉरिटी, बड़ी माइनॉरिटी है देश के अंदर। चलो आज राहुल गांधी जी ने कहा इबादत करते हुए दो हाथ थे और उन्होंने कहा कि बात की मुसलमानों की बात की, वो इस्लाम का प्रतीक था, उन्होंने दिखाया वो पोस्टर। देखिए सर, ये सब तो मुझे नहीं पता, मैं तो दुआ मांगता हूँ अल्लाह से, और हाथ उठा के मांगते हैं, दिल से भी मांगते हैं। जिनके हाथ नहीं होते दुआ तो उनको भी कबूल होती है साहब, आपको भी पता है ये वाली बात। क्या जिनके हाथ नहीं होते किसी एक्सीडेंट में कट जाते तो क्या वो दुआ नहीं मांगते? क्या वो भी दुआ मांगते दिल से? सबकी दुआ तो दिल से कबूल होती है ना साहब। तो मेरा तो ये मानना है कि दुआ है जो आप भी प्रार्थना करते हो दिल से करते हो कबूल होता है। पर यह बात है, संसद के अंदर जितने भी लोग गए हैं, लोक प्रतिनिधि हमने चुन के भेजा है ताकि हमारी बात रखे, देश के मसले मसाइल को हल करे, और जो स्पीकर साहब है, कस्टोडियन है पूरे इसके, उनको पूरी तरह से विपक्ष को भी टाइम देना चाहिए। और विपक्ष में खास तौर से अभी इस वक्त 4% माइनॉरिटी आई है, 4% मुसलमान लोग आए, तो उनको ज्यादा मौका मिलना चाहिए बोलने के लिए, जितनी बात यहां पे हिंदुओं की हो रही है उतनी बात मुसलमानों की भी होनी चाहिए, और जो सेकुलर पार्टियां हैं उनको मुसलमानों की बात उठानी चाहिए। ये बड़ा पॉइंट, वैलिड पॉइंट है आपका।